नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायणम नमो लोये त्रिकाणवर्ती सवसहणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंदकुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शास्त्रम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिन कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नम समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरचित अज्ञान्तिमिरांधानां ज्ञानाजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येनम तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति किम् पर भावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारेणम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भय अरिहंतादि महान ओम नमः सिद्धेव्य नमः सिद्धेव्य नमः सिद्धेव्य वीतराग परमात्मा के शासन में कुनकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में पूज्य गुरुदेव श्री का भरत क्षेत्र में अवतरण हुआ और उस अवतरण के पश्चात जैन दर्शन पे जो छाया हुआ मोह के बादल थे जहाँ पे शुभ भाव से धर्म और अशुभ भाव से अधर्म माना जाता था उस मोह के बादल को जिन्होंने अपनी ज्ञान गर्जना के माध्यम से पूरे के पूरे बादल को बिखेर दिया मार्ग को इस तरह से प्रकाशित किया मानो तीर्थंकर परमात्मा का जीवन शासन ही प्रवाहित होता हो। एक ऐसा युग जिस युगों की यादी स्वर्ण युग में तो आएगी ही आएगी लेकिन एक ऐसी परिस्थिति सर्जेगी जिस परिस्थितियों के अंदर में भावी काल में कुनकुन आचार्य देव अमृतचंद्र आचार्य देव एवं पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी का आधार लेते हुए लोग सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे। ये मोक्ष मार्ग की जो धारा जो चालू हुई परंपरा जो चालू हुई और उसके अंदर में जो मूल मार्ग का धोरी प्रवाह जो प्रवाहित हो रहा है उसका श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री की सिंह गर्जना को है। यह पुरुष विश्व के सामने अपने अकेले बाहुबल से सारे विश्व के सामने लड़ा वाद विवाद में नहीं पड़कर सबको भगवान आत्मा देखकर सुधात्मा का जयनाद करते रहा सत्य का प्रकाशन करते रहा वस्तु व्यवस्थित प्रकाशित करती रहे और ऐसे गुरुदेव श्री ने मात्र अस्थि अस्थि और अस्थि से सुधात्म तत्व का जो जय घोष किया वो पंचम काल के अंत तक इसी तरह से अबाधित पने प्रवाहित तो होता रहेगा उसमें कोई दो राय नहीं है। अब अपन का इधर में जो विषय जो चल रहा है पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों के माध्यम से प्रवचन सार परमागम की 172 गाथा के अलिंग ग्रहण के 18 नंबर बोल पे पूज्य गुरुदेव श्री का गुरुदेव श्री के पसंदगी के जो खास प्रवचन है 142 उसी हर माला के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन है। आज तक हमने वस्तु को वस्तु के स्वभाव से नहीं देखा। हम कहते तो रहे वस्तु अभेद लेकिन मानते रहे भेद रूप वस्तु क्योंकि ये बात हमारे दिल दिमाग से नहीं निकली कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चरित्र नहीं है। हम ये मानते रहे कि आत्मा में ज्ञान है आत्मा में दर्शन है आत्मा में चरित्र है। ये अभेद वस्तु को समझाने का विधान तो हो सकता है लेकिन समझने का विधान यह नहीं है क्योंकि ये भेदों का अभेद नहीं है भेदों से बना हुआ अभेद नहीं है ये अनादि अनंत स्वाभाविक अभेद वस्तु है। जो अनादि अनंत स्वाभाविक अभेद वस्तु अपने से अभेद है स्वाभाविक अभेद है अनादि अनंत अभेद है निरपेक्ष अभेद है इसको कोई अपेक्षाएं लागू नहीं पड़ सकती। ये निरपेक्ष अभेद वस्तु को उसने अभेद भाव से नहीं जाना इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि
भेद से वस्तु को जानने जाएगा तो राग होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। और तूने आज तक वस्तु को भेदों से ही जाना, भेदों का ही अभेद माना, क्योंकि तूने यही माना कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चरित्र, आत्मा में राग नहीं है, ये बतलाने के लिए आत्मा में ज्ञान है बात कही गई थी। लेकिन जो वस्तु ज्ञानमय है, दर्शनमय है, हम रोज 38वीं गाथा का स्वाध्याय करते हूँ, एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शनमय खरे। अब मय खरे का मतलब क्या? ज्ञान दर्शनमय वस्तु है, ज्ञान दर्शनमय आत्मा है, ज्ञान दर्शनमय भगवान आत्मा है। ऐसी वस्तु अनादि अनंत है। अब अनादि अनंत है माने स्वाभाविक है, स्वाभाविक है माने निरपेक्ष है, निरपेक्ष है माने उसको कोई अपेक्षाएं लागू नहीं पड़ती, ये शाश्वत है, स्वयं सिद्ध है। और वस्तु अनादि अनंत एक रूप है, जो वस्तु एक रूप है उसको एक रूप नहीं जाना, एक रूप नहीं माना। और हमने भेदों का अभेद करना चाहा, भेदों से अभेद को देखना चाहा, लेकिन वस्तु ही स्वाभाविक अभेद है, क्योंकि अनुभूति के अंदर में अभेद की अनुभूति होती है, अनुभूति के अंदर में द्रव्य गुण पर्याय ऐसी अनुभूति नहीं होती, तो अभेद की अनुभूति, अभेद के लक्ष्य से अभेद की अनुभूति होती है। वस्तु अभेद है तो उसके लक्ष्य से अभेद अनुभूति होती है। तो हम वस्तु को अभेद स्वभाव से नहीं जानकर, अभेद स्वभाव से नहीं मानकर, अभेद स्वरूप को नहीं पहचान कर, भेद से ही वस्तु को देखते रहे। आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव जानना और जानना स्वपर प्रकाश है। मने दो सत्ता को सत्ता रूप से नहीं जाना, द्रव्य सत्ता भिन्न और पर्याय सत्ता भिन्न, ऐसी दो भिन्न भिन्न सत्ता नहीं मानी। जब तक भिन्न भिन्न सत्ता नहीं मानेगा तब तक द्रव्य के अंदर में अहम का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, क्योंकि नई में जब आया तो नई की दो प्रमाण से एक सत्ता, नई से दो सत्ता। अब जब नई के अंदर में आया तो दो सत्ता ही बनती है। और वस्तु जो स्वाभाविक अभेद है वो स्वाभाविक अभेद है, अनादि अनंत अभेद है, निरपेक्ष अभेद है। गुरुदेव से कहते हैं कि और कोई विधि से सम्यक दर्शन नहीं होगा। तू यदि भेद को ग्रहण करेगा, भेदों से अभेद करना चाहेगा, तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता उस वस्तु विधि के अंदर। ये सम्यक दर्शन तो अभेद के लक्ष्य से अभेद की अनुभूति होती है, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या कहते गुरुदेव से अपन देखते हैं। 145 नंबर के पृष्ठ में वहां कोई कहे कि शुभोपयोग से शुद्धोपयोग होता है, यहां तो कहते हैं कि भेद के लक्ष्य से राग होता है, भेद के लक्ष्य से अभेद नहीं होता। माने इस सिद्धांतिक व्यवस्था है, भेद के लक्ष्य से राग होता है, भेद के लक्ष्य से विकल्प होता है, भेद के लक्ष्य से इंद्रिय ज्ञान का जन्म होता है। वस्तु नहीं है ऐसी, भेद के लक्ष्य से अभेद नहीं होता। तू भेद से वस्तु को देखते रहेगा, भेद से वस्तु को देखते रहेगा तो अभेद नहीं हो सकता। वस्तु स्वाभाविक अभेद है, इसलिए शुद्ध है। शुद्ध का कारण इसके अंदर में भेद नहीं है, ये अनेक रूप वस्तु नहीं है, एक रूप वस्तु है। एक रूप वस्तु को तूने एक रूप जाना नहीं, एक रूप माना नहीं, एक रूप समझा नहीं, और उसके अंदर में भेद के लक्ष्य से ही आत्मा का अनुभूति करना चाहा। अब आत्मा गुण विशेष को ग्रहण नहीं करता, और तू पर्याय के माध्यम से, भेद के माध्यम से, गुण भेद के माध्यम से द्रव्य तक पहुंचने का अनंत काल में अनंत प्रयत्न किया, लेकिन यह विधि नहीं होने से, वस्तु को देखने का विधान नहीं होने से, वस्तु को देखने का लक्ष्य का स्वरूप नहीं होने से, ये सारे के सारे प्रयत्न निष्फल रहे। देखिए क्या कहते हैं, आहा हा है उसमें लिंग यानी कि गुण, गुण लिया है पूरा, गुणी में गुण यह है ऐसा जो ग्रहण,
यानी कि पदार्थ का गुण, पदार्थ और पदार्थ का गुण वह जिसको नहीं है, पदार्थ में गुण नहीं है। ये वस्तु की व्यवस्था है, ऐसी वस्तु की व्यवस्था, पदार्थ में गुण नहीं है। गुण को देखने का मतलब ही होता है गुण भेद को देखना। गुण माने गुण भेद, और गुण भेद माने पर्याय दृष्टि, सामान्य में विशेष को देखना, ये पर्याय दृष्टि है। वस्तु सामान्य है ना, देखिए पदार्थ का गुण वह जिसको नहीं है, पदार्थ का गुण, पदार्थ में गुण है जिसको नहीं है। प्रभु एक बार तो वस्तु जैसी है ऐसा देख नाथ, एक बार देख और फिर वस्तु हाथ में नहीं आया तो आके कहना, ऐसा गुरुदेव श्री कहते हैं। तू वस्तु को वस्तु के स्वभाव से नहीं देखता, और कहते हैं कि मेरे अनंत प्रयत्न के बावजूद भी, पुरुषार्थ के बावजूद भी आत्मा की अनुभूति नहीं होती। अब जैसी वस्तु ऐसा देखेगा ही नहीं तो अनुभूति कहां से हो। जैसा और जितना महान है वैसा और उतना महान माने और अनुभूति न हो, ऐसा हो नहीं सकता। यदि वस्तु स्वाभाविक एक रूप वस्तु है तो स्वाभाविक एक रूप ही वस्तु है, उसके अंदर में पदार्थ में गुण नहीं है तो पदार्थ के अंदर में गुण नहीं है। पदार्थ के अंदर में गुण देखना तो वस्तु नहीं रहेगी, भेद को देखा तो अवस्तु हो जाएगी। अवस्तु को देखता रहे और अनुभूति नहीं हो ऐसा फरियाद करता रहे तो कैसे चलेगा। तो प्रभु एक बार देख तो से कि गुणी में गुण यह है, ऐसा ग्रहण यानी कि पदार्थ का गुण, पदार्थ और पदार्थ का गुण वो जिसको नहीं है, पदार्थ और पदार्थ का गुण वो जिसको नहीं है। पदार्थ में गुण नहीं है, सामान्य में गुण भेद विशेष नहीं है, ऐसा कहना है। समझ में आया? अर्थावबोध जिसको नहीं, गुण ऐसा जो लिंग, ऐसा जो अर्थावबोध, पदार्थ का गुण वो जिसमें नहीं है यानी कि आत्मा में नहीं है। कितना स्पष्ट करे, आत्मा के अंदर में गुण नहीं है प्रभु। एक बार तो हर्षित हो कि मेरा अनादि अनंत अभेद स्वरूप, एक रूप स्वरूप, एक रूप सत्ता, एक रूप वस्तु, अनादि अनंत एक रूप है, उसके अंदर में भेद का कोई स्थान नहीं है। अभेद के अंदर में भेदों का अभेद नहीं है, भेदों से अभेद नहीं है, भेदों का अभेद नहीं है, स्वाभाविक अभेद है। वो स्वाभाविक अभेद है इसलिए शुद्ध है। तूने वस्तु को वस्तु के रूप से नहीं देखा, क्योंकि गुणी अनंत गुण का एक रूप, देखिए क्योंकि गुणी अनंत गुण का एक रूप, ऐसी जहां दृष्टि करने जाएगा वहां गुणी और गुण ऐसा भेद दृष्टि में रहता नहीं है। अनंत गुण का एक रूप ऐसी जहां दृष्टि करने जाता है वहां गुणी और गुण ऐसा भेद दृष्टि में रहता नहीं है, क्योंकि अनंत गुण का एक रूप है वस्तु। अब जहां ऐसी वस्तु को देखा तो वहां पे गुणी और गुण ऐसा भेद रहता नहीं, क्योंकि वस्तु में भेद नहीं है। तो भेद नहीं है तो भेद दृष्टि में रहता नहीं है। प्रभु भेद से वस्तु को मत देख। तूने अनंत काल में अनंत प्रयत्न किया लेकिन भेदों का अभेद देखा, और अभेद में भेद नहीं है ऐसा देखा नहीं, क्योंकि ज्ञान ते आत्मा ऐसा जो समझाया गया था, दर्शन स्व आत्मा चरित्र स्व आत्मा, वो गुण से गुणी तक जाने की बात थी। लेकिन वस्तु तो वस्तु है, वस्तु तो पदार्थ है, वस्तु तो त्रिकाल स्वभाव, त्रिकाल स्वभाव कैसा है? उसके अंदर में गुण है कि नहीं है? वस्तु रूप गुण है, एक रूप वस्तु है, एक रूप वस्तु है वो एक है। अभी एक के अंदर में तू यदि अनेकता को देखेगा तो एक नहीं दिखेगा, और जब एक के ऊपर में दृष्टि जाती है तो गुणी और गुण ऐसा विभाग दृष्टि में नहीं आता, क्योंकि कैसा है, क्योंकि गुणी अनंत गुण का एक रूप, एक रूप, एक रूप, एक रूप, अनेक रूप नहीं,
और तू वस्तु को अनेक रूप देखते रहता, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, आनंद है, ऐसा नहीं है प्रभु। वो समझाने की बात थी, भेद विविक्षा थी, वस्तु की महिमा समझ में आवे, वस्तु की विशालता समझ में आवे, वस्तु का अद्भुत वैभव समझ में आवे, उसलिए भेद करके बताया गया था कि जगत के अंदर में यदि अनंत पदार्थ है तो तेरे अंदर में भी अनंत गुण है, वो अनंत है और तू खाली ऐसा नहीं है, ये बतलाने के लिए अनंत की अपेक्षा से यहाँ पे भी अनंतता दिखाकर, वस्तु का वैभव दिखाकर, महिमा दिखाकर, अद्भुतता दिखाकर, अलौकिकता दिखाकर तुझे अंतरंग से उसकी महिमा का उछाल आवे, उसलिए ये बात कही गई थी। लेकिन उस वस्तु के अंदर में ज्ञान दर्शन चरित्र नहीं है, ये बात अंतिम है, ये बात प्रथम, प्रथम भी यही बात है और अंतिम भी यही बात है। अज्ञानी से ज्ञानी होने का यही मार्ग है और ज्ञानी से परिपूर्णता प्राप्त करने का भी यही मार्ग है, दूसरा कोई विधान नहीं है। क्यों? भेद दृष्टि में नहीं रहता, क्योंकि वस्तु में भेद नहीं है। यदि वस्तु में भेद होता तो अनुभूति में भेद आता, अनुभूति के अंदर में आत्मा है, द्रव्य पर्याय ऐसा विभाग दिखता नहीं है अनुभूति के अंदर। द्रव्य की दृष्टि यानी कि अभेद दृष्टि यानी कि स्वाभाविक दृष्टि यानी कि वस्तु की दृष्टि, वो एक रूप वस्तु है, वो एक रूप वस्तु को तूने एक रूप जाना नहीं, वस्तु को एक रूप तूने माना नहीं। क्या कहते हैं, गुणी का गुण का नाम फेर, गुणी का गुण का नाम फेर, लक्षण फेर, ये फेरे फेर है, लेकिन वस्तु तरीके अंतर में अभेद देखते गुण और गुणी ऐसा भेद इसमें होता नहीं है। पर्याय को अंतर में झुकाते ही उसको यह गुण और यह गुणी ऐसा अंतर में वालते ही दृष्टि में रहता नहीं है। जहाँ परिणाम अंतरंग के अंदर में झुकती है, वलती है, तो उसके अंदर में भेद रहता नहीं, दिखता नहीं है, क्योंकि वस्तु में भेद है नहीं, वस्तु स्वाभाविक अवैध है। तूने वस्तु को वस्तु के स्वभाव से नहीं देखा, वस्तु स्वाभाविक अभेद, स्वाभाविक अभेद, स्वाभाविक अभेद, स्वाभाविक अभेद और स्वाभाविक अभेद ही है। जब तक वस्तु अभेद नहीं दिखेगी तब तक अभेद का लक्ष्य नहीं करेगी। यानी बुद्धि के अंदर में भी, निर्णय के अंदर में भी वस्तु अभेद है ऐसा निर्णय तो उसको होना चाहिए, भले विकल्पात्मक निर्णय हो, लेकिन जैसी वस्तु ऐसा निर्णय तो हो। फिर यदि यथार्थ निर्णय होगा, जैसी वस्तु है वैसा निर्णय होगा, तो बात आगे बनेगी, उसकी भी चिंता मत कर, बने नहीं बने उसकी भी चिंता मत कर, लेकिन मैं ऐसा हूं ऐसा तो मान प्रभु एक बार, अपने को जैसा है वैसा तूने माना नहीं है, जैसा है और जितना है वैसा और उतना मान प्रभु अपने, तूने अपने को अपने स्वभाव से नहीं देखा, अपनी वस्तु से नहीं देखा, अपने वैभव स्वान से नहीं देखा, पर हमेशा भेदों से ही वस्तु को देखते रहा, भेदों से ही वस्तु को मापता रहा, भेदों से ही अभेद होकर आत्मा की अनुभूति का प्रयत्न तो करता रहा, क्योंकि जैसी वस्तु है वैसा माने और परिणाम के अंदर में अनुभूति नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता, तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। जैसी वस्तु है यदि स्वाभाविक परिपूर्ण अभेद वस्तु है वो मैं हूं ऐसा माने और अनुभूति ना हो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए कहते हैं ना, दृष्टि में जहां अभेद आया फिर उसमें स्थिरता होना वह चरित्र, लिंगों का यानी कि धर्म चिन्हों का ग्रहण जिसको नहीं है वह अलिंग ग्रहण है, है? लिंगों का यानी कि धर्म चिन्हों का ग्रहण जिसको नहीं, धर्म चिन्ह माने गुणों का ग्रहण जिसको नहीं वह अलिंग ग्रहण है। तूने ऐसा कभी माना नहीं अपने आप, गुण का ग्रहण जिसको नहीं है ऐसा पदार्थ, ऐसी वस्तु,
ऐसा स्वभाव ऐसा त्रिकाली ध्रुव परमात्मा वो मैं हूं। ये सृष्टि आत्मा को बहिरंग बाह्य यति लिंगों का अभाव है, लियो मुनिपना का पंच महाव्रते विकल्प उठे। 28 मूल गुण देवगुरु शास्त्र के भक्ति भी नहीं, ऐसा जो यति का लिंग बाह्य ये स्वरूप में नहीं है, ये तो पहला कहकर पीछे से ये ले रहे हैं। जिस स्वरूप में इतनी व्यवहार क्रियाकांड का भाव कहने में आता है मुनि को, ये सब भाव जिनके स्वरूप में नहीं है तो विकल्प का भाव भेद का भाव बधा छे स्वरूप में नहीं है तो बहुत दूर की बात। मैंने यति लिंग पंच मरावत 28 मूल गुण है तो बहुत बार की बात है, ये तो नहीं है। लेकिन ज्ञान दर्शन चरित्र ऐसा भी जिसको नहीं है, प्रभु एक बार तो महिमा लाए, मैं किसी परमात्म तत्व में कैसा परमात्म वस्तु में कैसा स्वाभाविक भगवान अनादि अनंत एक रूप भगवान अभेद भगवान जिसके अंदर में कभी भेद नहीं पड़ता। भेद से वस्तु की महिमा बतलाई जाती है, व्यवहार से निश्चय तक लाया जाता है, लेकिन वस्तु को देखने का विधान तो स्वभाव से ही है। तूने वस्तु को वस्तु के स्वभाव से नहीं देखता, देखिए उसके बाद में कहते हैं यहाँ तो ऐसी बात लेकर फिर कहते हैं गुण एवं स्वरूप में विशेष नहीं। प्रभु आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? आज तक ये बात हमें समझ में नहीं आई, गुण ऐसा स्वरूप में विशेष नहीं है। वस्तु की व्यवस्था कितनी सुंदर है, कितनी अलौकिक है, कितनी अद्भुत है। अपन गुण और गुणी, गुण और गुणी, ज्ञान और ज्ञायक, ज्ञान और ज्ञायक, दर्शन और ज्ञायक, चरित्र और ज्ञायक, आनंद और ज्ञायक, शांति और ज्ञायक, समाधि और ज्ञायक, बस ऐसे ज्ञायक को देखते रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि ये बात सुनकर तुझे उछाल नहीं आता, उमंग और उत्साह का भाव नहीं आता, अंदर से उछलता नहीं है, तो पथरा पड़ा तरह जीवन नहीं अंदर वहां पर। किसी एक रूप वस्तु, कैसा एक रूप स्वभाव, किसी अद्भुत अलौकिक वस्तु, और उस कहते हैं कि उस स्वरूप के अंदर में गुण ऐसे स्वरूप के अंदर में विशेष नहीं है। यहां तो उससे आगे लेकर कहना है कि प्रभु जो वस्तु द्रव्य है एक रूप वस्तु है, सामान्य है, ध्रुव है, नित्य है, अभेद है, सूत रूप प्रभु त्रिकाल है, कितना कहे, कैसे कहे, किस विधि से कहे तो तुम मानेगा। प्रभु एक बार तो हां कर नाथ कि मैं ऐसा हूं। तूने कभी अपने आप को ऐसा अभेद स्वरूपी नित्य स्वरूपी ध्रुव स्वरूपी एक रूप स्वरूपी भगवान आत्मा में ऐसा तूने देखा नहीं है? देखिए क्या कहते हैं, प्रभु जो वस्तु द्रव्य है, प्रभु जो वस्तु द्रव्य है एक रूप वस्तु है, प्रभु जो वस्तु द्रव्य है, प्रभु 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 जो वस्तु द्रव्य है एक रूप वस्तु है, सामान्य है, ध्रुव है, नित्य है, अभेद है, सुद्रुप प्रभु त्रिकाल है, सुद्रुप प्रभु त्रिकाल है। इस अभेद स्वरूपी भगवान आत्मा के अंदर में भेद देखने जाएगा तो अशुद्धता ही होगी, सुद्रुप वस्तु हाथ नहीं आएगी, क्योंकि सामान्य है, एक रूप है, ध्रुव है, नित्य है, प्रभु है, किसी अद्भुत वस्तु, किसी अलौकिक वस्तु प्रभु। तो अपने आप को प्रभु नहीं देखता, अपने आप को प्रभु नहीं मानता, अपने आप को नित्य तत्व नहीं मानता, एक रूप वस्तु नहीं मानता। शुद्ध भाव अधिकार में आता है ना, शुद्ध भाव पर्याय नहीं है वहां नियम सार, शुद्ध भाव अधिकार, ये शुद्ध भाव ध्रुव है त्रिकाल, ये शुद्ध भाव पर्याय की बात नहीं है वहां पर। त्रिकाली शुद्ध भाव और वस्तु जो है उसमें गुण का लिंग जो है अलिंग्रहण है ना, गुण का भेद का लिंग वह ही अ नहीं ग्रहण यानी उसमें नहीं,
लिंग यानी गुण का भेद ऐसा लिंग उसका ग्रहण जिसमें नहीं। कितनी स्पष्ट बात, कितनी स्पष्ट, मैंने जिसको कहे ना एक घाव और दो टुकड़े की बात है, किंतु परंतु वाली कोई बात ही नहीं है। यदि द्रव्य में गुण नहीं है तो नहीं है, भेद नहीं है तो नहीं है। भेदों से अभेद को मत देख, क्योंकि वस्तु स्वाभाविक अभेद है। गुणों का ग्रहण, लिंग का ग्रहण अलिंग है, लिंग का ग्रहण नहीं है, माने पदार्थ में ज्ञान दर्शन चरित्र ऐसा भेद नहीं है, सामान्य में विशेष नहीं है। प्रभु एक बार तो गिरा पड़ना होगा, शांत होकर घर पकड़कर सुधात्मा को हाथ में लेकर तुझे चलना होगा। मैं ऐसी वस्तु, अलौकिक वस्तु, सुंदर वस्तु, अद्भुत वस्तु, एक रूप वस्तु, त्रिकाल वस्तु, ध्रुव वस्तु, नित्य वस्तु, ऐसे अनादि अनंत में एक रूप वस्तु, प्रभु एक बार तो उछल, एक बार तो उमंग ला, एक बार तो उत्साह से उछल पड़ कर मैं ऐसी परमात्मा तत्व, ऐसा मैं हूं उसका नाम सम्यक दर्शन है। बस इतनी सी बात है। तूने अपने आप को भेदों का अभेद देखा, अभेद में भेद देखा, भेद से अभेद होने का प्रयत्न किया, लेकिन तू भेद में आया ही नहीं कभी। अभेद वस्तु कभी भेद में आती ही नहीं, स्वाभाविक एक रूप वस्तु अनेक रूप होती ही नहीं। तो वस्तु को देखने का विधान यह है कि सामान्य विशेष को नहीं स्पर्शता, सामान्य विशेष में नहीं आता, सामान्य में विशेष नहीं है, सामान्य में विशेष का ग्रहण नहीं है। लिंग यानी गुण अ माने नहीं, ग्रहण माने लिंग, गुण का ग्रहण जिस पदार्थ के अंदर में नहीं है वह अलिंग ग्रहण। प्रभु एक बार तो उछल नाथ, उछल, तुझे एक बार भी स्वभाव का ऐसा उछल नहीं आया। यदि स्वभाव की ऐसी महिमा आ जाए एक बार के लिए, एक समय के लिए, तो वस्तु के अंदर में सड़सड़ाहट चला जाए। यदि तू जो वस्तु तक पहुंच नहीं पा रहा उसका यदि कारण देखा जाए तो बस अपनी समझ का दोष है, मान्यता का दोष है, अपने को भगवान माना नहीं है तुमने। जो स्वाभाविक भगवान है, अनादि अनंत भगवान है, निरपेक्ष भगवान है। अब जो निरपेक्ष भगवान है उसको भगवान पने की अपेक्षा नहीं है। नायक तत्व है वो ज्ञायक तत्व है, ज्ञाकार और ज्ञानाकार और ज्ञान और ज्ञायक, ऐसे विभाग उस वस्तु के अंदर में है नहीं। प्रभु किसी की सापेक्षता में, किसी की सिद्धि करने के लिए किसी अपेक्षा से यह बात कही गई है। वस्तु तो वस्तु है, वस्तु को देखने का विधान, वस्तु का देखने का जो विधान है बहुत सरल है। तू अपने आप को स्वाभाविक अभेद परमात्मा मान, ये भेदों का अभेद नहीं है। भेद नहीं माने भेदों का अभेद, ऐसा अभेद नहीं है, स्वाभाविक अभेद है, स्वाभाविक एक रूप है। पर स्वभाव का मतलब ही होता है निरपेक्ष, स्वभाव का मतलब ही होता है अनादि अनंत, स्वभाव का मतलब ही होता है कोई भी सापेक्षताओं से रहित, उसका मतलब स्वभाव है। और यदि ये परमात्मा तत्व ऐसा अनादि अनंत भगवान आत्मा ऐसा यदि अपना स्वभाव है तो निरपेक्ष स्वभाव है, उसको ज्ञान दर्शन चरित्र ऐसे विभाग से क्या लेना देना। प्रभु तूने वस्तु को इस तरह से आज तक नहीं देखा, उसलिए कठिन महसूस होता है, बहुत पुरुषार्थ महसूस होता है, बहुत मेहनत महसूस होती है। जब जिसी वस्तु है वैसी देखे नहीं तो वो तो कठिन ही रहेगी। जो वस्तु को देखने का जो विधान है, जिस विधि से सम्यक दर्शन होता है,
उस विधि से वस्तु को नहीं देखेगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। यदि अभेद के अंदर में भेद देखेगा तो राग होगा, और राग से लाभ मानेगा तो मिथ्यात्व होगा। तो ये जो मिथ्यात्व अनादि काल से जो बना रहा उसका कारण क्या? तूने उससे लाभ माना, आत्मा में ज्ञान दे, आत्मा में राग नहीं होता, आत्मा में ज्ञान होता, आत्मा में राग नहीं होता, आत्मा में ज्ञान होता। अरे राग नहीं होता ये बतलाने के लिए ज्ञान होता ऐसा बतलाया प्रभु? वस्तु तो वस्तु है, तू भेद से वस्तु को देखते रहा तो अभेद वस्तु लक्ष्य में नहीं आई, अभेद वस्तु दृष्टि में नहीं आई। जब अभेद वस्तु दृष्टि में नहीं आई तो अभेद का लक्ष्य नहीं हुआ तो अनुभूति भी नहीं, क्योंकि जैसी वस्तु है वैसा नहीं देखेगा तो अनुभूति हो नहीं सकती। वस्तु अभेद है तो अभेद देखना होगा, अभेद मानना होगा, अभेद समझना होगा। अभेद जाने, अभेद माने, अभेद समझे तो अनुभूति होवे होवे और होवे, अनुभूति को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जैसी वस्तु है वैसा जाने नहीं, माने नहीं, और उसको तो अभिप्राय के अंदर में तो अनुभूति की भी अपेक्षा नहीं हो सकती। मैं स्वाभाविक अभेद हूं तो स्वाभाविक अभेद हूं, परिणाम के अंदर में क्या है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं अभेद लक्ष्य करूंगा तो अभेद अनुभूति होगी, इस अभिप्राय से अभेद को देखेगा तो पर्याय दृष्टि कहलाएगी। उसने अनादि काल से पर्याय दृष्टि को ही पाला पोसा है, जो गुरुदेव श्री ऐसा कहते हैं कि तुझे अनादि काल से ज्ञान पर्याय का पक्ष रहा। मैंने कहां तक आ गया ज्ञान पर्याय तक, तो अनादि काल में अनंत बार आया और ये पक्ष ये रहा कि बस ज्ञान पर्याय के अंदर में जानन हार जानने में आता। ये बात तो सही है, निश्चय की बात है, पर्याय का निश्चय है, लेकिन पर्याय का निश्चय वो तू न त्रिकाली निश्चय एक रूप स्वभावी परमात्म तत्व ओम है, तो ज्ञान के अंदर में परज्ञ जानने में नहीं आता, स्वज्ञ तो जानने में आता है। प्रभु ज्ञान और ज्ञेय ऐसा विभाग, ऐसी वस्तु है कि ज्ञान भी मैं, ज्ञेय भी मैं, ज्ञाता भी मैं, अभेद वस्तु, एक रूप वस्तु, परिपूर्ण वस्तु वो मैं। वस्तु को देखने का विधान अत्यंत निर्मल विधान है, अत्यंत स्पष्ट विधान है। देखिए कितनी स्पष्ट बात है कि लिंग उसका ग्रहण जिसमें नहीं है। वस्तु को देखने का विधान यह है कि मैं ऐसा हूं, और जो अपने आप को त्रिकाली ध्रुव नित्य एक रूप परमात्मा मानता हो अनुभूति की अपेक्षा नहीं रखता, और अनुभूति की अपेक्षा रखकर मैं परमात्मा हूं ऐसा मानता उसको अनुभूति नहीं होती, क्योंकि पर्यायी दृष्टि नहीं मिटती। बात तो द्रव्य की करे और दृष्टि पर्याय के ऊपर बनी रहे, ये मार्ग के अंदर में चल नहीं सकता। अनुभूति हो कैसे? ये गुणी भगवान अनंत गुण का पिंड है, उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही अभेद में से आनंद की दशा का वेदन होता। देखिए क्या कहते हैं, गुणी भगवान अनंत गुण का पिंड है, अनंत गुण का एक रूप है, उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही अभेद में से आनंद की दशा का वेदन होता है। जिसमें अनंत काल नहीं हुआ ऐसी शांति उसमें से आती है। ये शांति और आनंद का वेदन द्रव्य का आश्रय से होता है, गुण भेद का आश्रय से आनंद का वेदन नहीं आएगा, राग का वेदन आएगा। स्थिति है अनादि अनंत, इसमें किंतु परंतु वाली कोई बात नहीं। अपन ने कभी अभेद वस्तु को अभेद जाना नहीं, अभेद वस्तु को कभी अभेद माना नहीं।
अपरिणामी में बैठकर मैं अपरिणामी हूं ऐसा माना नहीं। वो अपरिणामी भी कहता रहा तो परिणामी पना कर प्रकट हो उसके लिए अपरिणामी हूं ऐसा मानता रहा, ऐसा चिंतन मनन करता रहा। और परिणाम और परिणामी की चर्चा आत्मार्थी नहीं करता। आत्मार्थी होता वो सिर्फ अपरिणामी अपरिणामी और अपरिणामी की बात ही करता। टंकोत्कीर्ण अपरिणामी, एक रूप अपरिणामी, एक रूप अपरिणामी, एक रूप अपरिणामी, स्वाभाविक का करता, स्वाभाविक का भोक्ता, स्वाभाविक का कारण परमात्मा, ऐसा स्वभाव अपना अनादि अनंत है। बस उस वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देख, ऐसा मैं हूं। और उसको उंडे उंडे कहीं पे भी निर्विकलता इससे प्रकट होगी ऐसा अभिप्राय नहीं होता। होता है वो अलग बात, अभिप्राय के अंदर में जब परमात्म तत्व मैं हूं, अभेद तत्व मैं हूं, तो स्वाभाविक अभेदपना देखता है, भेदों को नहीं देखता। सामान्य में विशेष नहीं होता, सामान्य सामान्य होता, सामान्य में गुण को नहीं देखता। गुण को देखना ही गुण भेद है, और गुण भेद माने पर्याय दृष्टि। स्थिति उसकी अनंत काल से रही है, इसलिए मार्ग स्पष्ट होने के बावजूद भी, सरल होने के बावजूद भी, स्वाभाविक होने के बावजूद भी आज तक जो कठिनाई महसूस हुई उसका कारण उसने भेदों का अभेद देखा, भेदों का भेदों से अभेद करने का प्रयत्न किया। भेदों से अभेद नहीं है, भेदों का अभेद नहीं है, स्वाभाविक अभेद है। जो स्वाभाविक अभेद है वो स्वाभाविक अभेद है, अनादि अनंत भेद है, उसलिए वो शुद्ध है। द्रव्य शुद्ध क्यों है? स्वाभाविक अभेद है। इसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए, जितना भी कहा जाए, जितना भी वर्णन किया जाए, लेकिन उससे वस्तु को कोई अंतर नहीं पड़ता। वस्तु तो ज्यों की त्यों रहती है। निगोद में गया तो एक कण कम नहीं हुआ, सिद्ध में जाएगा तो एक कण बढ़ेगा नहीं। अनंत काल अनादि अनंत एक रूप रहने वाली वस्तु, प्रभु एक बार इस अभेद वस्तु की स्वभाव से महिमा ला नाथ, तूने स्वभाव से इसका उछाल नहीं लाया। ये महिमावंत वस्तु है, इसकी महिमा लानी नहीं पड़े, महिमा आवे ऐसी वस्तु है, अंतरंग से महिमा आवे। और तूने अनादि काल से इसका महिमा लाने का प्रयत्न किया। वस्तु जब स्वयं महिमावंत है तो उसको महिमा लाने की बात कहां है? जिसको अंतरंग से महिमा आती है उसको भगवान आत्मा ही अंतरंग में बसता है। वो परिणाम की ओर से नहीं देखता, परिणामी की ओर से नहीं देखता। देखिए ज्ञानी पुरुष होते हैं वो अनुभूति में बारंबार आत्मा की अनुभूति करके बाहर आके किसकी बात करते हैं? आप देख लो, अनुभूति की बात करते हैं, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा की बात करते हैं। क्यों? वो फल तो सहज में मिलता है, उसकी परवाह ही नहीं करते, उसकी अपेक्षा ही नहीं रखते। निरपेक्ष तत्व को जहां निरपेक्ष, क्योंकि जिसे वो द्रव्य को निरपेक्ष जानते हैं मानते हैं, उस तरह से पर्याय को भी निरपेक्ष पर्याय स्वभाव से जानते हैं। पर्याय भी निरपेक्ष मने परिणमती अपने स्वभाव से, उसको द्रव्य की अपेक्षा नहीं है। पर्याय के अंदर में जो कुछ भी होता है उसका कारण कर्म, कारण कर्ता, कर्म करण, संप्रदान अपादान अधिकरण, वो पर्याय स्वयं है। उस समय के एक समय की पर्याय स्वयं है, तो उसको द्रव्य से क्या लेना देना? द्रव्य के साथ में कोई आदान प्रदान ही नहीं है। अब भेद विकल्प नहीं उठता तो परिणामी हुआ तो बस वो अपरिणामी कर्ता और परिणामी कर्म, लेकिन उस समय भी अपरिणामी तो अकर्ता ही रहता है।
ज्ञायक ही है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, भगवान आत्मा तो भगवान आत्मा ही है। इतनी सी ही बात है, इसके अंदर में और कोई बात नहीं है। ज्ञाकार कहा जाता है, ज्ञाकार होता नहीं है, ज्ञानाकार रहता है, ज्ञानाकार ज्ञायक है। जब ज्ञायक है तो ज्ञायक है। वस्तु को देखने का विधान अत्यंत स्पष्ट है। जब तक वस्तु को वस्तु के अपेक्षा से, वस्तु के स्वभाव से नहीं देखता, तब तक उसकी महिमा नहीं आती। देखिए, अभी अनादि अनंत स्वाभाविक अभेद वस्तु है, जानकर कितना हर्ष होता कि हमने ऐसी वस्तु जानी नहीं, ऐसी वस्तु मानी नहीं। लिंग यानी गुण का ग्रहण ही जिस पदार्थ को नहीं होता, वो पदार्थ को गुण का ग्रहण ही नहीं होता, ग्रहण ही नहीं करता, ऐसा अलिंग ग्रहण है। और अपन आत्मा में ज्ञान दर्शन चरित्र सुख वीर्य प्रभुत्व आनंद शांति सुख मने इतने भेद प्रभेद में चलते रहते हैं कि बस ये गुण और ये गुण, ये गुण और ये गुण, ये गुण और गुण, ऐसा है ही नहीं। जबकि वस्तु के अंदर वस्तु तो वस्तु है, और वस्तु के अंदर में भेद से देखना, भेद को पाड़ना, वो अवस्तु हो जाता। अवस्तु के लक्ष्य से कितना प्रयत्न करे तो अनुभूति होगी। ज्ञानी अभेद का लक्ष्य बरत रहे, अभेद के लक्ष्य चलते हैं तो अभेद अनुभूति हुआ करती, हुआ करती, हुआ करती, हुआ करती, बारिश की तरह बरसते रहते हैं। अब गुरुदेव श्री के कोई भी प्रवचन, चाहे पुरुषा सिद्धि उपाय का हो, कलश टीका का हो, समय सार का हो, नियम सार का हो, प्रवचन सार का हो, बस एक शुद्धात्मा, एक शुद्धात्मा, एक शुद्धात्मा चलता है। क्यों? मैंने शरीर का वर्णन करें, उसके साथ में नगर का वर्णन बता, ज्ञान वस्तु अलग ही रख दिया पूरी की पूरी। कितनी महिमावंत वस्तु, स्तुति का स्वरूप बतावे तो कैसे स्वरूप बतावे। अपन इस विधि से वस्तु को देखते ही नहीं। पूर्ण स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप, प्रकट स्वरूप, विद्यमान स्वरूप, हाजरा हाजुर स्वरूप, स्वयं सिद्ध स्वरूप, वो मैं हूं। महिमा आनी चाहिए अपने स्वभाव की। यहां तो कहते हैं गुणी जिसमें गुण है, एक वस्तु है उसमें गुण अनंत है। भगवान आत्मा में 47 शक्ति का वर्णन नहीं किया, आ गई है। ऐसी तो अनंत शक्तियों है, शक्तिवान भगवान वह एक रूप है, लेकिन उसमें गुण ते अनंत शक्ति यानी कि अनंत गुण है। ऐसा अनंत गुण को लिंग कहकर, अनंत गुण के भेद को लिंग कहकर, लिंग जिसमें भेद विशेष जिसमें नहीं है, ऐसा आत्मा उसे यह अभेद आत्मा सम्यक दर्शन का विषय कहते हैं। अब इसके अंदर में कुछ बाकी नहीं रखा। अपन गुरुदेव को सुनते हैं लेकिन गुरुदेव के हृदय में नहीं जाते। गुरुदेव जहां से बात करते हैं वहां से नहीं सुनते। देखिए कितना स्पष्ट, गुणी जिसमें गुण है, कैसा है? एक वस्तु है। गुणी में गुण माने एक वस्तु है, इसमें गुण अनंत है। भगवान आत्मा में 47 शक्ति का वर्णन नहीं आया, आ गया है। ऐसी तो अनंत शक्तियों है, शक्तिवान भगवान वह एक रूपे है। अनंत शक्तियां है लेकिन अनंत शक्तिवान ऐसा भगवान आत्मा एक रूप से है, एक रूपे है। अब जो एक रूपे है वो एक है। अब तू यदि एक में अनेकता को देखेगा तो ऐसी वस्तु नहीं है। लेकिन देखिए, एक रूपे है लेकिन उसमें गुण वह अनंत शक्ति यानी अनंत गुण है। ऐसे अनंत गुण को लिंग कहकर, अनंत गुण का भेद को लिंग कहकर, वह लिंग जिसमें भेद विशेष जिसमें नहीं। लिंग माने भेद विशेष, भेद विशेष जिसमें नहीं, ऐसा आत्मा
उसे यहाँ अभेद आत्मा सम्यक दर्शन का विषय कहते हैं। सम्यक दर्शन का विषय जो आत्मा है वो कैसा है? अभेद है। अभेद माने भेद को जो ग्रहण नहीं करता, लिंग को ग्रहण नहीं करता, ज्ञान दर्शन चरित्र ऐसे भेद को ग्रहण नहीं करता, ऐसा एक रूप आत्मा अभेद आत्मा सम्यक दर्शन का विषय है। माने इसके अलावा और सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। यदि यह सम्यक दर्शन का विषय है तो दूसरा भेद रूप वस्तु को देखे तो सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। अब देखिए वस्तु संपूर्ण है, जो संपूर्ण है वो परिपूर्ण है। अब परिपूर्ण को तो परिपूर्ण मान, अब जो परिपूर्ण है उसके अंदर में क्या नहीं हो सकता, और जो परिपूर्ण है उसको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए? परिपूर्ण है, भेदों का ग्रहण उस वस्तु को नहीं है, इसलिए वो अलिंग ग्रहण है। तूने वस्तु को वस्तु के स्वभाव से नहीं जाना प्रभु, स्वाभाविक अभेद होने से वो शुद्ध है, द्रव्य शुद्ध है, एक रूप वस्तु है उसलिए शुद्ध है, अनंत गुणमय एक वस्तु है उसलिए शुद्ध है, मय है एक वस्तु है उसलिए शुद्ध है। अभेद में भेद मत कर, क्योंकि भेदों का अभेद नहीं है। स्वाभाविक अभेद दृष्टि का विषय, सम्यक दर्शन का विषय क्या है? अभेद आत्मा सम्यक दर्शन का विषय। अभेद किसको कहते हैं? जिसमें भेद विशेष, जिसमें नहीं, ऐसा जो आत्मा है ना, ए वो आत्मा। भेद यानी लिंग कहकर, लिंग जिसमें भेद विशेष, जिसमें नहीं, ऐसा आत्मा, उसको यहाँ अभेद आत्मा सम्यक दर्शन का विषय कहते हैं। प्रभु तुझे सम्यक दर्शन करना है ना, तो सम्यक दर्शन का विधान तो यह है, पहले सम्यक दर्शन करने के लिए वस्तु की व्यवस्था ऐसी है, ऐसा तो मान, फिर जब वस्तु की महिमा आएगी तो सम्यक दर्शन की बात हृदय से निकल जाएगी, और यूं ही सम्यक दर्शन हो जाएगा मुफ्त में, बिना परिश्रम। बिना परिश्रम उत्पन्न होने वाली व्यवस्था के लिए तूने अनंत काल से प्रयत्न किया, उसका नाम पर्याय दृष्टि है, उसका नाम पर्याय का एकत्व है, उसका नाम पर्याय का हम, और तूने माना उससे मेरे को लाभ होता है, चिंतन से, मनन से, घुटन से मेरे को लाभ होता है, तो ये मिथ्यात्व को प्रबल करता है, क्योंकि तूने माना विकल्प से निर्विकल्प होता है, तूने माना चिंतन मनन जो राग परिणाम है उससे वितरागता होती है, राग से वितरागता होगा, विकल्प से निर्विकल्प होगा, चिंतन से चिंता सारी मिट जाएगी, तो तूने लाभ माना उससे, लाभ माना तो ये मिथ्यात्व है। अब कैसे मिथ्यात्व टले? वस्तु को वस्तु के स्वभाव से ही नहीं देखे, वस्तु को वस्तु में बैठ कर नहीं देखे, तो अभेद वस्तु है, एक रूप वस्तु है, वो सम्यक दर्शन का विषय है। अब सम्यक दर्शन का विषय है अभेद, और तू माने भेद रूप, तो वस्तु तक पहुंच नहीं पाया, उसका यदि कारण देखा जाए तो इतना सा है, उसने वस्तु को भेद रूप माना, एक रूप नहीं माना, अनेक रूप माना, बोला एक रूप, माना अनेक रूप। गुरुदेव को सुना लेकिन समझा नहीं, यदि बुद्धि में समझ में आ भी गया तो समाया नहीं, क्योंकि सुनकर समझकर समाने की बात है, माने त्रिकाली में बैठकर आत्मा को देखने की बात है, तूने त्रिकाली में बैठकर त्रिकाली को नहीं देखा, उसलिए मार्ग कठिन रहा, है नहीं कठिन। अब अभेद है, मैं अभेद परमात्मा हूं ऐसा मान ले तो क्या कठिनाई हो सकती है? और उसने मैं अभेद हूं ऐसा माना तो भी मैं सम्यक दर्शन का विषय हूं इसलिए अभेद ऐसा माना, ये दूसरा दोष उसका। सम्यक दर्शन का विषय अभेद आत्मा, उसलिए अपने को अभेद माना, मैं सम्यक दर्शन का विषय हूं इसलिए अभेद हूं,
स्वाभाविक अभेद हूं, जब स्वाभाविक अभेद हूं तो मेरे को कोई अपेक्षा लागू ही नहीं पड़ सकती। निरपेक्ष तत्व हूं, निरपेक्ष वस्तु हूं, निरपेक्ष स्वभाव है। इस निरपेक्ष को निरपेक्षता से नहीं देखा, जब निरपेक्ष को निरपेक्षता से देखता तो कोई भी सापेक्षता उसके अंदर में रहती नहीं है। उसलिए सोगानी जी कहते हैं परिणाम के अंदर में निगोद हो या मोक्ष, मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता। ये बात आती जन्म लेती यहां से। परिणाम के अंदर में राग मिटे, वितरागता प्रकट हो, उसलिए मैं अभेद हूं, ऐसा थोड़ी है। परिणाम के अंदर में राग हो या अराग, विकल्प हो या निर्विकल्प, मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं तो स्वभाव से निर्विकल्प वस्तु हूं, स्वभाव से अभेद वस्तु, स्वभाव से एक रूप वस्तु, स्वभाव से परिपूर्ण वस्तु, अनादि अनंत ऐसी वस्तु। जो अनादि अनंत एक रूप वस्तु है बस वो मैं हूं। यदि उसको सम्यक दर्शन का विषय कहा जाए तो भले कहा जाए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र है, व्यवहार है। एक खंड खंड है, मैं अखंड हूं, मैं अभेद हूं, मैं एक रूप हूं। खंड नहीं ऐसा अखंड नहीं, भेद नहीं ऐसा अभेद नहीं, अनेक रूप नहीं ऐसा एक रूप नहीं। सारा का सारा स्वाभाविक, एक अखंड अभेद स्वाभाविक वस्तु। तूने स्वभाव से अपने आप को परिपूर्ण नहीं जाना, स्वभाव से अपने आप को परिपूर्ण नहीं माना। जो परिपूर्ण है वो परिपूर्ण ही है। मैं वैसा हूं बस, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं। स्वभाव को देखिए, यहां जिसको आत्मा कहा गया वो अभेद आत्मा को आत्मा कहा गया, स्वाभाविक अभेद आत्मा को आत्मा कहा गया, स्वाभाविक अभेद आत्मा को आत्मा कहा गया, उसको द्रव्य कहा गया, उसको वस्तु कहा गया। ऐसा मैं हूं, बस इतनी अपनी जिम्मेदारी है कि अपने को अपने स्वभाव से देखे, त्रिकाल स्वभाव से, निर्मल स्वभाव से, परिपूर्ण स्वभाव से, ध्रुव स्वभाव से, एक रूप स्वभाव से, गुणी और गुण अपने में ना देखे। ये भेद विकल्प, ये राग है, ये इंद्रिय ज्ञान है, ऐसी वस्तु नहीं है। अभेद को अभेद स्वभाव से देखना ही आत्मार्थी का कर्तव्य है। वही आत्मा है, बाकी अनात्मा है। यदि ऐसा आत्मा को तू दृष्टि में नहीं लेगा तो अनात्मा तेरा विषय बन नहीं सकता, क्योंकि वस्तु के अंदर में तूने भेद को देखा। जो भेद है नहीं तो अवस्तु रह गया, अवस्तु के लक्ष्य से तू मार्ग पे चल पड़ेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं हूं बस, मैं अभेद हूं, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं परिपूर्ण हूं, ऐसा अपने आप को जान और मान। प्रभु तू प्रभु है ना, तुझे कुछ प्रकट नहीं करना, तुझे किसी का अभाव नहीं करना, तू प्रकट है। जो प्रकट है सो स्वद्रव्य, और जो प्रकट होता है वो परद्रव्य। जो प्रकट है सो स्वद्रव्य, और जो प्रकट होता है वो परद्रव्य। मैं प्रकट तत्व, मैं प्रकट वस्तु, मैं विद्यमान वस्तु, मैं हजरा हजूर वस्तु, ऐसी अलौकिक वस्तु को अलौकिक भाव से देखना, ये अलौकिक अभेद तत्व है। अलौकिक अभेद तत्व, स्वाभाविक अभेद तत्व, निरपेक्ष अभेद तत्व। तूने निरपेक्ष अभेद तत्व को निरपेक्षता से नहीं देखा प्रभु। सापेक्षता लगाकर वस्तु को कमजोर बना दिया। सम्यक दर्शन प्राप्त करने की अपेक्षा से वस्तु को देखा तो ज्ञाया कितना निकम्मा नहीं है कि तू अकर्ता स्वभावी परमात्मा को कर्ता मान ले, कि द्रव्य के लक्ष्य अनुभूति होगी,
इतना तू करता मान ले और तुझे जवाब दे दे, इतना फालतू नहीं है क्या है। स्वाभाविक अभेद वस्तु को तू स्वाभाविक अभेद नहीं माने, स्वाभाविक अभेद नहीं जाने, स्वाभाविक अभेद नहीं माने, तो क्यों जवाब दे। और तू यदि जवाब की अपेक्षा रखता तो बिल्कुल जवाब नहीं देगा। क्योंकि हमेशा तूने उससे अपेक्षा रखी। अब अपेक्षा रखी माने निरपेक्ष नहीं माना, निरपेक्ष नहीं माना माने स्वाभाविक नहीं माना, स्वाभाविक नहीं माना तो अनादि अनंत एक रूप है ऐसा नहीं माना, यानी आत्मा को आत्मा नहीं माना, द्रव्य को द्रव्य नहीं माना, वस्तु को वस्तु नहीं माना। और तुझे वस्तु जवाब दे दे, न भूतो न भविष्यते, ऐसा विधान नहीं हो सकता। प्रभु एक बार निज सत्ता पूर्ण ध्रुव उस पंथ पे जा, ए पंथे जा प्रभु। देखिए है, निज सत्ता पूर्ण ध्रुव त्या ए पंथे जा, एनो आश्रय ले। कहां पर जा? सत्ता, कौन सी सत्ता? निज सत्ता। कैसी सत्ता? पूर्ण ध्रुव सत्ता। त्या ए पंथे जा, यदि पंथ है तो इतना ही है कि तू पूर्ण ध्रुव सत्ता है, इतना ही पंथ है। ऐसी अपनी महासत्ता है, ऐसी अपनी स्वाभाविक सत्ता है। प्रभु तूने स्वाभाविक सत्ता को स्वभाव से नहीं देखा, एक बार स्वभाव से देख। देखिए उस पंथे जा आदेश दे रहे हैं, उपदेश नहीं दे रहे हैं। निज सत्ता पूर्ण ध्रुव त्या ए पंथे जा, ये गुरुदेव श्री का आदेश है गुरुदेव श्री के संतानों को, उसका आश्रय ले। ये तो ग्यारहवीं गाथा में भी आया, भूयोत्तम असिद्धो खलु। त्या ऐसा नहीं कहा कि गुण और गुणी में आश्रय करे तो सम्यक दर्शन होगा। क्या कहते हैं? गुण और गुणी का आश्रय करे तो सम्यक दर्शन होगा, ऐसा नहीं कहा। गुण और गुणी ऐसा भेद माने ही व्यवहार, उसका अर्थ ही पर्याय दृष्टि, उसका नाम ही व्यवहार का पक्ष, उससे सम्यक दर्शन होगा ऐसा नहीं कहा। प्रभु एक बार धीरा पड़, एक बार शांत हो, अपनी सारी की सारी बात एक पोटली में बांध कर साइड में रखते, और गुरुदेव श्री जहाँ से बतला रहे हैं, जैसे बतला रहे, जिस विधि से बतला रहे, ऐसी वस्तु को जान, ऐसी वस्तु को मान, ऐसी वस्तु को समझ, और फिर वस्तु जवाब नहीं देते, गुरुदेव श्री कहते मेरे पास आना। एक बार मक्कम तो हो, क्या होगा? जगत तुझे निश्चयाभासी कहेगा तो उससे अंतर क्या पड़ता है? व्यवहाराभासी तो अनंत काल से है, अब निश्चयाभासी हो गया तो दूसरा अंतर क्या पड़ेगा? परवाह मत कर। जो देवगुरु शास्त्र को मस्तिष्क पे रखकर अपने अंतरंग में बिठाकर देव दर्शन इत्यादि नियमित करते हुए, स्वाध्याय नियमित करते हुए यदि निश्चय की बात करेगा तो नियम से निश्चय का अभ्यासी होगा, निश्चयाभासी नहीं होगा। परवाह मत कर जगत की, जगत तो यही कहता रहा और यही कहता रहेगा। वो तो यही बात करेगा कि प्रभु तू व्यवहार से निश्चय की बात कर। अब जो भेद वस्तु के अंदर में नहीं है, मैं उस भेद से बात कैसे करूं? अभेद वस्तु है, अभेद वस्तु अभेद है। व्यवहार सगड़ो ही व्यवहार असत्य अर्थ है, सगड़ो ही व्यवहार अभूत अर्थ है, तो कौन से व्यवहार से बात करूं? गुण गुणी के भेद के व्यवहार से? ऐसी वस्तु ही नहीं है, ऐसा वस्तु का स्वभाव ही नहीं है, ऐसे वस्तु के अंदर में गुणी और गुण ऐसा भेद ही नहीं है। स्वाभाविक अभेद वस्तु, उसलिए द्रव्य शुद्ध है। यदि भेद करने जाएगा तो शुद्ध शुद्ध नहीं रहेगा, दृष्टि के अंदर में ही विकल्प उत्पन्न होगा तो अशुद्ध हो गया। सभी परमात्मा ही है, परमात्मा ही है और मैं परमात्मा हूँ, ऐसा ज्ञान श्रद्धा सभी के अंतरंग में सहज मात्र में हो, इसी मंगल भावना का।